शादियों का सीजन चल रहा है, सब लोग कितने खुश है ना। किसी के बेटे की शादी है, किसी के भतीजे की शादी है, किसी के मामा की शादी है, किसी के चाचा की शादी। अरे जीजा जी, शादी मोतीचूर का वो लड्डू है, जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। और हाँ बेटा, एक बात पता है, शादी करने वाले इंसान की दो बार बैंड बजती है, एक तो शादी के दिन और दूसरी शादी के बाद। गोगी मामा, शादी होने के बाद बैंड कौन बजाता है? अरे बजाता नहीं, बजाती है, वो भी लाइफ का। बेटा मेरी बात मानो तो जिंदगी में सब कुछ कर लेना, लेकिन ये शादी नामक बर्गर कभी मत खाना, वरना पूरी उम्र लाल चटनी होगी। हाँ गोगी, बच्चों को क्या गलत शिक्षा दे रहा है? खुद ने तो कर ली शादी और इनको मना कर रहा है। अरे मेरी जिंदगी झंड, तभी तो इनको शिक्षा दे रहा हूँ। हाँ लियाऊंगा मेथी। ओह नो। और गोगी मामा क्या हाल है? फिलहाल तो पिछवाड़ा लाल है। 200 किलोमीटर से जो ट्रेन में बैठा बैठा आया हूँ, और सीट का जो पिछवाड़े से अटूट रिश्ता बना है, क्या बताऊँ आपको। अगर 100 किलोमीटर और बैठा रह जाता तो बॉलीवुड वाले फिल्म बना देते कि पिछवाड़े तेरा दर्द। आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे जीजा जी, आना तो यूं हुआ, वो आपके दोस्त नहीं है शर्मा जी, जिनका लड़का टॉप करता है। लेकिन वो तो फेल हो गया ना। ट्रेंडिंग में तो यही है ना कि टॉप करता है। उनकी बेटी की शादी है ना, आपको भी कार्ड आया होगा। लड़के वालों ने जो दहेज की रकम मांगी है वो मैं तो लेकर आया हूँ। ये क्या मजाक कर रहा है गोगी? शर्मा जी का परिवार तो सुशिक्षित है, वो कब से दहेज की बातें मानने लग गया? जब बेटी की अच्छे परिवार में रिश्ते की बात आती है तो सारी शिक्षा गंगा जी में बह जाती है जीजा जी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनका दामाद भी तो पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी है। अरे इन नौकरी वालों के तो चौंचले हैं, वरना आम आदमी तो इतनी फुलाता ही नहीं है। क्यों नहीं फुलाता? पिताजी पापा, जुबान जुबान, पैसे के लिए जुबान, पैसों के लिए जुबान फुलाना। ओह नो। माँ बाप सोचते हैं नौकरी वाले को अपनी बेटी देंगे तो खुश रहेगी, लेकिन वो ये नहीं जानते बेचारी को जीवन भर उनका टॉर्चर सहना पड़ेगा। हाँ मामा, ये बात तो सही है। मेरा दोस्त है ना सतीश, उसकी बहन के ससुराल वाले भी उसको पैसों के लिए टॉर्चर करते थे, जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो शादी ही तोड़ दी। मेरा दोस्त है ना फुन्नो। ये दोस्त का नाम है या तितली का? जब उसकी बहन की शादी हुई थी तब उसके जीजा जी एकदम मैंगो मैन थे, फिर उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो उन्होंने फुन्नू की बहन को छोड़ दिया, उसके बाद नौकरी ने उनको छोड़ दिया। इतने सीरियस सीन में कॉमेडी घुसानी जरूरी थी? सच था, लेकिन दहेज लेना तो बहुत बड़ा पाप है। जब तक दूसरे ले खुद ले तो सब सही है, कहेंगे बेटी की खुशी के लिए दिया है। दहेज के नाम पे भीख लेने आते हैं और डीजे पे गाना चलवाते हैं, आगे बैंड बाजा पीछे दूल्हे राजा, और उस दूल्हे राजा की सोच को देखे तो फुटपाथ पे बैठे भिखारी से ज्यादा नंगी है। लेकिन मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, अपने बेटों की शादी करूंगा तो 1 रुपया दहेज का नहीं लूंगा, 1 रुपया। अरे जीजा जी, सब आपके जैसे शरीफ नहीं होते। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे दोस्त है सुन्नी लाल जी, उनकी बेटी की शादी थी तो दहेज में दूल्हे ने मोटरसाइकिल की मांग कर दी, और जब वो नहीं दे पाए तो बिना फेरे लिए ही लौट गया वापस। अब सोचो उस बाप पे क्या बीती होगी। अरे साला जो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता वो कल को पेट्रोल पंप की मांग कर देगा। और जीजा जी, आप ये जो कहते रहते हो ना नौकरी वाला नौकरी वाला, नौकरी वाला होने से कुछ नहीं होता, दिल वाला होना जरूरी है, चाहे कमाए 10,000 ही। वो आपको भी खुश रखेगा, आपकी बेटी को भी खुश रखेगा और अपने परिवार को भी। मेरा कहना यही है कि अगर लड़का सही है तो पूरे परिवार को संभाल लेगा, लेकिन अगर लड़का ही खराब है तो पूरा परिवार, परिवार क्या पूरा खानदान ही संभाल पाएगा। हाँ गोगी, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा लाखों में एक। क्या दहेज वाली ड्रेसिंग कांच टूट गई? तेरे को कितनी बार बोला है कांच में खुद को इतना मत देखा। Oh, no. आखिर उसमें भी प्राण है। मामा आपने दहेज लिया था? अरे मैंने कहाँ लिया था, तेरे नाना जी ने लिया था। वाह, खुद गुरुजी बैंगन खाए और दूसरों को नसीहत दे। लो पैसे दे देना शर्मा जी को, मैं तो चलता हूँ।
मामा जी तो बॉडीगार्ड निकले।